गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन की, जिसमें पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हमने आज तक वीडियो में जितनी भी पढ़ी है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन उसमें खत्म हो चुकी है। तो अब इसमें हम बात करेंगे पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से कुछ क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन होगा हमारा, उसमें मिक्स क्वेश्चन होंगे, जैसे कि उसमें ये पता करना होगा कि हमारे इसमें इलेक्ट्रोसाइक्लिक है, साइक्लो एडिशन, डाइसल्डर या फिर ऐसे रिएक्शन। उस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन को देखकर पता करना है कि उसमें कौन सी रिएक्शन होने वाली है, उसको रिएक्शन को कैसे करना है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन की प्लेलिस्ट में मतलब पूरी वीडियो नहीं देखी है तो उसको आप पहले देखिएगा, क्योंकि उसमें जो कॉन्सेप्ट बताए गए हैं उन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करके मैं इस वीडियो के क्वेश्चन को कराऊँगा। तो पहले उसको देखिएगा आप, फिर इसको देखिएगा। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन को, चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखेगा, मैं इसको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हेक्साट्राइन, ये हमारा क्वेश्चन। अब इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए कॉन्ट्रोटेटरी, बी डिसरोटेटरी, सी कॉन्ट्रोटेटरी और डिसरोटेटरी डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर एट विच रिएक्शन इज कैरीड आउट या फिर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है हमें वो देखना है, हेक्साट्राइन। तो सबसे पहले हम हेक्साट्राइन यहाँ पर बना लें, पहले इसका फार्मूला लिख लें CH2। दो दो चार तीन चार एक दो तीन चार पाँच, ये है हमारा 1 2 3 4 5 6 1 3 6 हेक्साट्राइन, जिसके हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अगर इसका ग्राउंड स्टेट में जब इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन इसकी ग्राउंड स्टेट में होगी तो फिर इसमें कौन सा रोटेशन होगा, कॉन्ट्रोटेटरी होगा या फिर डिसरोटेटरी होगा या फिर ऑप्शन सी है या फिर ऑप्शन डी। तो मैंने पहले ही कहा है कि इसको देखने से पहले आप पहले मेरी पिछली वीडियोस देख लीजिएगा, क्योंकि उस पहले की वीडियो में इस क्वेश्चन को बताया गया है, अगर आपने देखा तो पता चल जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए हेक्साट्राइन में कितने पाई बॉन्ड है, दो दो चार पाई बॉन्ड, तीन है, पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर 6। तो इसके लिए हमारे पास वेव फंक्शन हमारे पास 6 है, लेकिन अब हम इस इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हम यहाँ पर अगर वेव फंक्शन साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 तक जाएं, आगे 5 6 और है, लेकिन अब हम इस 6 इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पर फिल करेंगे, दो इसमें आएगा, और ये कह रहा है कि ग्राउंड स्टेट में, तो हमारा यही होगा ग्राउंड स्टेट। अगर हमारा एक्साइटेड स्टेट होता तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर, या फिर फोटोकेमिकल होता तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पर चला जाता, लेकिन हमें कह रहा है ये थर्मल कंडीशन में। तो थर्मल कंडीशन में हमारा ये साई 3 वाला हो जाएगा होमो ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में साई 3 होमो होगा, साई ऑड। जब साई 3 वाला ये ऑड वाला जब होमो होता है तो इसमें होती है मिरर प्लेन सिमेट्री, और जब मिरर प्लेन सिमेट्री होती है तो उसमें होता है डिसरोटेड। तो हमारा ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए कॉन्ट्रोटरी, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, आपको 4 क्वेश्चन एक बार में दिखे होंगे, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, द थर्मल रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ साइक्लोब्यूटेन्स आर। तो इसमें ऑप्शन है कॉन्ट्रोटरी डिसरोटरी, वही ऊपर वाला 4 ऑप्शन है, कॉन्ट्रोटरी और डिसरोटरी डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर एट वी रिएक्शन कैरीड आउट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो इसको हम करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइक्लोब्यूटीन यहाँ पर बना लेंगे, फिर इसको हम थर्मल में कह रहा है तो इसको हम थर्मल में इसकी रिंग ओपनिंग कराएंगे। तो रिंग ओपनिंग के लिए हमारे पास देखिए इस बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट होगा और इस बॉन्ड का, तो ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा और ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा। तो इसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी, ये थर्मल कंडीशन के लिए लिखते हैं हम टी, और इसमें देखते हैं कितना बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो 1 2 यानी कि 1 2 यानी इवन है, तो हम इसके लिए लिखते हैं ई। जब थर्मल इवेंट होता है तो इसमें होता है हमारा कॉन्ट्रोटेटरी। तो इसमें हमारा क्या पूछ रहा था, कॉन्ट्रोटेटरी या फिर डिसरोटेटरी ना, तो हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यहाँ से हमें पता चल गया। बाकी हम रिएक्शन यहाँ पर ये ऐसे कराकर इसका प्रोडक्ट इस तरह से दिखा सकते हैं, थर्मल इवेंट कॉन्ट्रोटेटरी, इससे हमें यह पता चल गया। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें देखिए
कितना बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पर सिक्स थे, यहाँ पर दो दो चार चार बॉन्ड है इसके। तो इसको आप जब करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग करेंगे तो यहाँ पर आएंगे शाई टू तक आएंगे, तो इसमें शाई टू होमो होगा। और जब ये इवन वाला होमो होता है तो इसमें होती है सी टू सिमेट्री, और जब सी टू सिमेट्री होती है तो मिरर प्लेन सिमेट्री में होता था डिसरोटेटरी, सी टू सिमेट्री में होता है कॉन रोटेटरी। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, इसे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरे में दूसरे वाले में ए वाला ऑप्शन यानी कॉन रोटेटरी वाला सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है। क्लेजन रीअरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्लेजन रीअरेंजमेंट हमने अभी हाल ही में पढ़ाया है, क्वेश्चन नंबर थ्री। हाँ, तो इसका ऑप्शन क्या है क्लेजन रीअरेंजमेंट का, 2-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ए है, बी अलग है 2-4 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, सी है 1-5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, डी है 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट, कोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट या फिर इस तरह से जो भी मैं रिएक्शन बताया हूँ, तो इसमें होता था हमारा 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट ये। तो ये कौन सा ऑप्शन है, 3-3 डी वाला, तो डी वाला हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपको कुछ दिया गया है यहाँ पर, यहाँ पर थर्मल कंडीशन दिए, तो इसे प्रोडक्ट बनाना है, तो फिर हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा वो कह रहा है। तो इस प्रोडक्ट को करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे, मुझे 1-7-8 तक जा रहा है। तो अब इस बाउंड को हम इधर मूव करेंगे, यहाँ से ये रिंग, यहाँ पर रिंग बंद होकर यहाँ से एक बाउंड बनेगा, और ये वाला बाउंड इधर आएगा, और ये वाला बाउंड इधर से ये हो जाएगा। अब क्या होगा वो देखिए, तो ये वाला बाउंड यहाँ से हटेगा, यहाँ पर आएगा, फिलहाल मैं इसे रहने देता हूँ। तो 1-2-3-4-5-6-7 और ये बनेगा 8, यानी कि यहाँ पर 8 मेंबर रिंग बनने वाली है। तो मैं 8 मेंबर पहले यहाँ पर रिंग बना दूँ, ये हो गया। ये वाला बाउंड जो है वो कुछ अबव बिलो का उसमें मतलब नहीं, बस मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये वाला जो बाउंड बना है वो ये वाला है। फिर अब यहाँ तक आप नंबरिंग कर दीजिए, 1-2-3-4-5-6-7-8। तो अब यहाँ देखिए आप 1-2 के बीच में डबल बाउंड था, अब ये वाला बाउंड जब घूम के आ रहा है तो 2-3 के बीच में डबल बाउंड आ रहा है। तो 2-3 के बीच में आप एक डबल बाउंड दिखा दीजिए, अब कहाँ था, एक था 7-8 के बीच में, अब आ रहा है 6-7 के बीच में, ये आ गया 6-7 के बीच में। अब आपको प्रोडक्ट दिख रहा होगा, जो भी इस तरह का प्रोडक्ट होगा हम उस पर टिक करेंगे, कौन सा प्रोडक्ट है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में बस मैंने इस तरह दिखाया, ऑप्शन बी में इसको घुमा दिया है, ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब करते हैं कुछ और क्वेश्चन, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है हमारा। तो हमें ये दिया है क्वेश्चन नंबर फाइव में, ये दिया है और इसे थर्मल कंडीशन में देकर क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है, उसमें से कौन सा करेक्ट है उसको चूज़ करना है। ए बी सी डी है कुछ स्ट्रक्चर किस तरह का आपको यहाँ पर दिखेगा, तो इसको मैं कराता हूँ कौन सा स्ट्रक्चर सही है उसको बताता हूँ। पहले ये बताइएगा ये रिएक्शन है कौन सी, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन या फिर सिग्मोट्रॉपिक। ये है सिग्मोट्रॉपिक रिएक्शन, हमने इसे करा है 1-2-3, इस अनसैचुरेटेड से हम देखेंगे सैचुरेटेड को 1, यहाँ से फिर देंगे इसको 1-2-3, फिर ये बाउंड इस साइड मूव होगा और ये वाला इस साइड और ये वाला इस साइड, तो यहाँ पर इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो दोनों डबल बाउंड यहाँ पर आ जाएंगे और ये OH इस तरह से लगा रहेगा, और ये हो गई हमारी थ्री कामा थ्री सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। चलिए ये हो गई, अभी इसमें कोई प्रोडक्ट मैच कर रहा है, ए बी सी डी में कोई प्रोडक्ट मैच किया, नहीं किया। तो अभी हम इसको और भी क्या करेंगे, इसको हम इस साइड मूव करेंगे और इसको हम इस साइड मूव करेंगे,
यहाँ पर आएगा माइनस, यहाँ से निकलेगा एच प्लस, ये एच प्लस जाकर यहाँ से लगेगा तो ये हो जाएगा बायलेंथ, ये है हमारा एनॉल। अब इसके बाद बन जाएगा हमारा कीटो। और ये वाला डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा और यहाँ पर एक एच आकर लग जाएगा, इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं। अब देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, सी इज करेक्ट आंसर, तो सी वाला पे हम कर देंगे टिक। तो ये हो गई हमारी थ्री कामा थ्री सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो ये थ्री कामा थ्री में कौन सी है, कौन सी रिएक्शन है, क्लेजन है या फिर कोप है, कौन सी ये है? अगर हमारा ये नहीं होता, ये सिर्फ इतना होता है OH, तो ये हो जाएगी हमारी ऑक्सीकोप, ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे पास छठा क्वेश्चन ये दिया है और इसको दिया यहाँ पर थर्मल कंडीशन, ये दिया है ये प्लस ये और थर्मल कंडीशन दिए, और क्या कह रहा है आगे, द मेजर प्रोडक्ट इज, तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा मेजर है आपको वो डिटरमाइन करना है। चलिए इसको हम करते हैं, उसके बाद देखते हैं मेजर कौन है। तो ये कौन सी रिएक्शन आपको दिख रही है, सबसे पहले ये बताइए, ये हमारा डाइन, ये है डाइनोफाइल, डाइनोफाइल पर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होता है, ये हमारी हो जाएगी यहाँ से डाइल सेल्डर रिएक्शन। तो डायल सेल्डर रिएक्शन में हमने पढ़ा है ओरिएंटेशन इफेक्ट ऑफ डायल सेल्डर रिएक्शन, जिसे कहते हैं हम रिजियस सेलेक्टिविटी। तो उसमें क्या होता था, आर्थो प्रोडक्ट बनता था और पैरा प्रोडक्ट बनता था, उसमें मेटा नहीं बनता है, ये ओरिएंटेशन में बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से इस तरह से जिस तरह से अगर उस तरह से रिएक्शन कराएंगे, चलिए करा के देखते हैं, तो हमारा क्या बनेगा। तो यहाँ पर आएगा एक डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा OME और यहाँ पे लगा हुआ ये CN, तो इसमें से कोई भी प्रोडक्ट मैच कर रहा है क्या? प्रोडक्ट तो मैच करेगा, लेकिन आपको ये देखना है कि ये वाला जो है हमारा वो आर्थो और पैरा सिर्फ बनाता है, मेटा वाला हमारा ये नहीं बनता है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन हमारा ये सही नहीं होगा। तो इसमें अब हमें क्या करना है, अब हम या तो इसे रोटेट करा दें या तो फिर इसे करा दें, जैसे जिस तरह से ऑप्शन दिया गया है मैं इसको फ्लिप कराता हूँ, तो मैं इसको इस तरह से करा सकता हूँ, OME यहाँ लगा, जब मैं इसको घुमाऊंगा तो OME इधर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर CN, बाकी ये सब कुछ ऐसे ही होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये प्रोडक्ट दिख गया इस तरह से करने से, आप मेटा वाले पर अगर टिक कर देंगे तो वो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ओरिएंटेशन में ये आपने पढ़ चुके हैं कि ये मेटा प्रोडक्ट नहीं बनता है, सिर्फ ऑर्थो बनता है। अगर ऑर्थो पोजीशन नहीं, हमारी आर्थो पोजीशन पे अगर कुछ लगा, मतलब आर्थो बनेगा और पैरा बनेगा, मेटा कभी नहीं बनेगा। तो हमारा ये हो जाएगा यहाँ से OME, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ ये CN यहाँ पर अपनी जगह लगा रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आर्थो मेटा पैरा, तो ये हमारा ये पैरा वाला प्रोडक्ट। अब ये वाला जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो सही होगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, बी वाला जो है वो हमारा करेक्ट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ लगाने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको देकर टिक करना है बस। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ता हूँ आपको, यहाँ पर देखिएगा, डायल सेल्डर रिएक्शन नॉर्मली यील्ड्स एंडो एडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट, दिस इज ड्यू टू, कौन सा रीज़न है एंडो प्रोडक्ट हमारा मेजर क्यों बनता है, उसका रीज़न क्या है। ऑप्शन ए दे रहा है, हायर स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, एंडो की जो होती है वो हमारी स्टेबिलिटी क्या उसकी हायर होती है, जैसे कि इस तरह से होता था हमारा कुछ भी, और जो हमारे इस तरह नीचे साइड अगर यहाँ सी एस थ्री, तो ये हमारा एंडो प्रोडक्ट, अगर हमारा एक्सो होता था तो ये ऊपर की साइड लगता था, तो अगर ये हमारा जब इसके पास में होता था तो इसमें हमारे एक्सपेक्टेड से ये वाला प्रोडक्ट मेजर नहीं, एक्सो वाला मेजर बनना चाहिए था। तो इसमें क्या ये सही है कि ये स्टेबल है, तो ये वाला नहीं सही है। तो दूसरा क्या कह रहा है, फास्टर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द एंडो प्रोडक्ट, सी है स्टीयरिंग हिंड्रेंस, और डी वाला क्या है, सेकेंडरी ऑर्बिटल इंटरेक्शन बिटवीन ए डाइन एंड डाइनोफाइल, ये वाला ऑप्शन सही है। डी वाला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, सेकेंडरी इंटरेक्शन, तो हमारी कोई भी जब हमारे जैसे कि इस तरह से जो भी हमारी डाइन और कोई भी हमारा यहाँ पर जिस इस तरह से हमारा डाइनोफाइल होता था, जब ये इससे बॉन्ड बनाता था, तो इधर से जब ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सेकेंडरी इंटरेक्शन होता था, तो इसमें इसलिए हमारा एंडो प्रोडक्ट मेजर बनता था, तो इसमें ये वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, ये रहा, हमें ये दिया गया है, थर्मल कंडीशन दी गई है और ये पूछ रहा है कि ये कौन सा मेजर प्रोडक्ट है,
या फिर ये क्या देगा, यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखेंगे। तो फिर अब हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट, ये फिर ये हमें क्या देगा। इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या लगता है कि ये कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर सिग्मा ट्रॉपिक हो सकती है, ये अनसैचुरेटेड, ये रहा 1 2 3, ये 1 1 के बीच के बॉन्ड 1 2 3, अब यहाँ से हो जाएगी 3.3 सिग्मा ट्रॉपिक रियलाइनमेंट, ठीक है। ये वाला बॉन्ड इधर मूव हो जाएगा, ये वाला इधर, और ये 1 1 के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर बॉन्ड ये बनेगा, फिर ये रहा, ये रहा, यहाँ पर दो डबल बॉन्ड आ जाएंगे, इतना आपको अब तक पता हो गया होगा। तो ये रहा O और ये रहा H, और इसे लगा होगा ये रहा M E, और इधर भी वैसे ही ये रहा M E और ये रहा O और ये रहा H। तो अभी कोई ऑप्शन मिल रहा है ऐसा, नहीं मिल रहा है, चलिए आगे और करते हैं। ऑप्शन किस तरह से दिया गया है उसी के हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब जैसे कि हम इस बॉन्ड को इधर ले जाएँ और इसको इधर, जैसे कि हम पहले ही करते चले आ रहे हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो यहाँ से क्या होगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये एच जाकर इससे लग जाएगा, वहाँ पर वो उसको बैलेंस करेगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये, डबल बॉन्ड ओ और ये रहा एम ई, और इधर भी रहा ये एम ई, और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ, ये हो गया हमारा। तो इस तरह का कोई प्रोडक्ट हमें दिया है। ऑप्शन ए देखिए, इस तरह मतलब इसको पकड़ कर पूरा इस तरह फैला दिया गया है, किस तरह से अब उसको देखिए आप, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये रहा यमी वाला, तो ये यमी, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर यमी आप दिखाइए चाहे ना दिखाइए, मेरे ख्याल से ऑप्शन में नहीं दिखाया गया है, तो यहाँ पर आप हम यमी लिख लेते हैं, हमारे पास यमी है। अब इसके बाद कितना बॉन्ड बचता है, 1 2 3 4 5, तो 5 बॉन्ड पहले बना लें यहाँ पर, 1 2 3 4 5, तो पांचवें बॉन्ड पे यहाँ पर है डबल बॉन्ड ओ और यहाँ पर है एम ई। अब ऑप्शन मैच करिए, इस तरह से भी हो सकता है, अगर इसको पकड़ कर यहाँ से फैला देंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा, वही चीज़ है बस इस तरह से हो गया। देखते हैं अब कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए देखिए, यहाँ से डबल बॉन्ड हो, वहाँ पर डबल बॉन्ड हो, ऑप्शन ए वाला सही है, ऑप्शन ए करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब वो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, द कन्वर्जन ऑफ विनाइल साइक्लोप्रोपेन, विनाइल साइक्लोप्रोपेन का कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, साइक्लोपेंटीन में, अपॉन हीटिंग एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, हीट करके उसको कन्वर्ट करना है विनाइल साइक्लोपेंटीन, विनाइल साइक्लोप्रोपेन को साइक्लोपेंटीन में, और उसमें कौन सी सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो रही है, वो ऑप्शन है 3 3 1 3 1 5 1 2। सबसे पहले हमें विनाइल साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ये रहा हमारा विनाइल साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लोप्रोपेन आप इसमें आपको दिख रहा है कि इसमें कोई सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हो सकती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नहीं दिख रहा ना, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिंग को ओपन करेंगे, इस रिंग में ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाए और ये कार्बन अपना, यानी कि यहाँ पर होमोलिसिस, तो ये वाला बॉन्ड ऐसे और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे और ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से नीचे, और ये एक फ्री रेडिकल यहाँ पर, और ये घूमकर नीचे आएगा इस बॉन्ड को, अगर यहाँ से ये वाला बॉन्ड का ये वाला बॉन्ड जब यहाँ से हटाओगे तो एक फ्री रेडिकल इसके पास आएगा और एक दूसरा वाला इसके पास, यहाँ पर अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये इस तरह से ब्रेक हो, यहाँ पर भी वही हो, तो अब इस फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल में बॉन्ड बनेगा, तो पहले मैं इस तरह से बना दूँ, इस तरह से है, यहाँ पर एक फ्री रेडिकल है और इस फ्री रेडिकल, इस फ्री रेडिकल में यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना और ये वाला फ्री रेडिकल एक यहाँ पर आ गया इस तरह से। अब आपको ये कुछ सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट आपको दिख सकता है। अब इसको नंबरिंग आप करिए यहाँ से 1 2 3 4 5, अब इस 1 और 5 में ये फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगी 1.5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर इस तरह से। इस तरह से हमने विनाइल साइक्लोप्रोपेन को कन्वर्ट कर दिया साइक्लोपेंटेन में, तो इसमें कौन सी सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुई, 1.5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या दिया गया है, ये हमें दिया गया है यचनी की कंडीशन में चार हमें ऑप्शन मिलेगा, उसमें से कौन सा सही है हमें वो देखना है। आपको चार ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, ए बी सी डी, जो भी करेक्ट है इसको करेंगे, जो भी करेक्ट है फिर उसके बाद उस पर टिक करेंगे। वैसे ए रिएक्शन है क्या, आपको क्या दिख रही है, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन की तरह दिख रही है। यहाँ पर रिंग ओपन है, रिंग को क्लोज कर देंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, और ये वाला यहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर दिया यचनी कंडीशन, यानी कि फोटोकेमिकल कंडीशन के लिए लिखते हैं एम पी 1 2 3 4, यानी कि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इवन नंबर ऑफ, जब पी ई होता है तो इसके साथ होता है डी, फोटोकेमिकल इवन नंबर ऑफ बॉन्ड डिस रोटेटरी। चलिए तो क्या होगा हमारा डिस रोटेटरी में भी पता चल जाएगा। एक बॉन्ड यहाँ पर आया, एक यहाँ पर, और एक यहाँ पर। अब ये दोनों एम ई कहाँ जाएगा, जैसे कि हमारा फोटोकेमिकल कंडीशन में ये दोनों एम ई बाहर की साइड होता है, ये दोनों एम ई इधर, ये बाहर की साइड, ये एम ई, ये बाहर की साइड। अब इमी हमें, इसमें हमें कराना है डिस रोटेटरी, एक को ले जाएंगे एंटी क्लॉक वाइज, दूसरे को ले जाएंगे क्लॉक वाइज, तो दोनों आ जाएगा अबव द प्लेन, ऊपर की साइड। एक यहाँ पर एम ई, दोनों ऊपर की साइड, और एम ई एक यहाँ पर, दोनों ऊपर की साइड, यहाँ पर भी एम ई, एम ई, और यहाँ पर एम ई, यानी कि मिथाइल ग्रुप, ये हो गया। और हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या किया गया, बस इसको थोड़ा सा इस तरह से कर दिया गया, बस ये जिस तरह से था मैंने उस तरह से दिखाया है, और उसमें क्या किया गया है, बस इसको इस तरह से घुमा दिया गया, ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, तो उसमें कोई लेना देना नहीं, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट है, ये आपको इतना पता होना चाहिए बस। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखते हैं, द लिमो ऑफ द ग्राउंड स्टेट ब्यूटावन-3 डाइईन। आपको ऑप्शन दिखेगा ए बी सी, अब इसमें से कौन सा करेक्ट है अब आपको वो देखना है। जैसे कि ब्यूटावन-3 डाइईन, डाइईन में हमारा क्या है, डाइईन 2 2 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, पाई इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो अब 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए हमारे पास शाई 1 और शाई 2 काफ़ी है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा होमो। और लिमो पूछ रहा है, तो ये लिमो हो जाएगा इसका, ये शाई 3 वाला। अब शाई 3 वाले में इसकी नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी, नोट्स हम निकालते हैं n-1, यानी कि यहाँ पर अगर ये 3 है तो नोट्स यहाँ पर होंगे 2। तो अब हम इसके लिए पाई ऑर्बिटल बनाएंगे, ब्यूटाडाइन है यहाँ पर हमारे पास 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हमारे पास पाई ऑर्बिटल होगा 1 2 3 4। तो शाई 3 यानी कि ऑड है, फर्स्ट एंड लास्ट वाले में सेम होगा, यानी कि आप इसको या तो भर दीजिए, ऊपर वाला भर दीजिए, ये हो गया। अब इसके बीच में 2 नोट्स होने हैं, एक नोट्स यहाँ पर, नोट्स को हमें इस तरह दिखाना है कि नोट्स बैलेंस रहे, ये मैंने बताया है, तो नोट्स एक यहाँ पर दिखाएंगे हम, इन दोनों के बीच में कोई, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग नहीं बननी है, तो हमारा ये प्लस यहाँ पर था, यानी कि एक ऐसा यहाँ पर था तो दूसरा वाला यहाँ पर हो जाएगा, तो इसके बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग, इन दोनों के बीच में नोट नहीं है, तो इसमें भी ये भरा वाला नीचे की साइड। अब इस तरह से जो आपको दिख रहा है ऑप्शन में वो आपका सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अब इसको प्लस प्लस करके भी दिखा सकते हैं, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, 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 ये हो गया हमारा 11वां। अब हम देखते हैं 12वां, 12वां क्वेश्चन हमारा क्या है, डाइल्स एल्डर रिएक्शन इज ए, यानी कि डाइल्स एल्डर रिएक्शन क्या है, मतलब 2+2 साइक्लोडिशन रिएक्शन, 2+2 थर्मल साइक्लाइजेशन, 4+2 फोटो एडिशन, 4+2 साइक्लो एडिशन, 3+3 साइक्लो एडिशन। तो डाइल्स एल्डर रिएक्शन क्या है, ये हमें पहले से पता है, हम पढ़ चुके हैं, 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन को हम डाइल्स एल्डर रिएक्शन कहते हैं, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हम क्वेश्चन नंबर 13, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हमारा यहाँ पर है, ये हमें ये दिया गया है और इससे हमारा प्रोडक्ट ये बना हुआ है, लेकिन अब पूछ रहा है कि यहाँ पर कंडीशन कौन सी आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए, दी प्रोडक्ट वाई एंड जेड, यानी कि इसको कह रहा है यह प्रोडक्ट, इसको वाई दिया, इसको जेड दिया, इसको एक्स दिया, वाई एंड जेड आर फॉर्म रिस्पेक्टिवली फ्रॉम वाया, कौन सी कंडीशन है, यच न्यू कॉन्रोटेटरी एंड थर्मल डिसरोटेटरी ओपनिंग। तो इस तरह से चार ऑप्शन देखे हैं, आप देख लीजिए नीचे दिया, तो कौन सी कंडीशन है उसको करा के देखते हैं सबसे पहले। चलिए
यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी हम उसको देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यचन्यू ले, तो यचन्यू यानी फोटोकेमिकल कंडीशन के लिए एम पी। अब यहाँ पर कितने बॉन्ड मूव होने वाला है, एक बॉन्ड ये, एक दो तीन, क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन है और ये रिंग क्लोज है, तो यहाँ से रिंग ओपन, रिंग ओपनिंग रिएक्शन, ये इधर और ये इधर और ये वाला इधर, बॉन्ड इस तरह से मूव होगा तो हमारा कुछ इस तरह बनेगा। अब देखनी है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री, ये दोनों, इन दोनों की बात आई। अब यहाँ पर पहले देखिए, ये फोटो केमिकल हो गया, बॉन्ड कितना इन्वॉल्व हो रहा है, एक दो तीन, यानी कि और, तो पी ओ पी ई डी होता है, तो पी ओ सी फोटो केमिकल और नंबर ऑफ बॉन्ड कॉन्रोटेटरी। तो अब हम इसको करा के देखते हैं क्या इस कंडीशन में ये सही प्रोडक्ट आ रहा है। चलिए कराते हैं, फोटो केमिकल और कॉन्रोटेटरी ये दोनों ऊपर की साइड है, तो दोनों हमारा ऊपर की साइड है, जब हम इसको कॉन्रोटेटरी कराएंगे तो एक इस साइड, एक इस साइड, एक बाहर की साइड, एक अंदर की साइड, एक बाहर की साइड और दूसरा अंदर की साइड आ रहा है, तो ये वाला हमारा सही है यचन्यू की कंडीशन में। अब हम देखते हैं दूसरा, आपको इस तरह से करा के देखना होगा, पहले थर्मल कराना है फिर फोटो केमिकल, ये ऐसे। तो पहले हम अब इसमें कराते हैं थर्मल, तो थर्मल के लिए हम लिखेंगे टी, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड नहीं मतलब ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड, हम देखेंगे एक दो तीन ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड, तो टी ओ डी, तो यहाँ पर थर्मल और डिसरोटेटरी होता है। अब देखें हम, अब क्या इस कंडीशन में ये प्रोडक्ट सही आ रहा है, तो हमारी ये कंडीशन, ये वाली जो हमारा वो सही हो जाएगा, दोनों ऊपर की साइड है, कराना है डिसरोटेटरी, एक को ले जाएंगे क्लॉक, दूसरे को ले जाएंगे एंटी क्लॉक, दोनों बाहर की साइड, तो यहाँ पर ये भी बाहर की साइड और ये वाला भी बाहर की साइड, तो ये वाली भी हमारी कंडीशन सही। तो फोटोकेमिकली कॉन्ट्रोडेटरी, थर्मली डिसरोटेटरी, अब हम ऑप्शन मैच करते हैं कौन सा है, फोटोकेमिकली कॉन्ट्रोडेटरी, थर्मली डिसरोटेटरी ओपनिंग, ये हमारा ऑप्शन ए वाला सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ये हमारी इस तरह से एक सिस्टम, ये एक सिस्टम, ये, और इसको दिखा रहा है एचन्यू कंडीशन में कराओ, ए कोई प्रोडक्ट आएगा और ए क्या प्रोडक्ट आ रहा है, ऑप्शन चार तो दिया है, चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है उस पर हमें टिक करना है, ठीक है, ऑप्शन चार ऑप्शन है, तो इसको देखकर आपको क्या लग रहा है ये कौन सी रिएक्शन है, ये दो, ये दो, यहाँ पर हो जाएगी 2+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, इस बॉन्ड को हम इस साइड मूव कराएं, इससे यहाँ पर बॉन्ड बनेगा और इसको हम इस साइड मूव कराएं, एक बॉन्ड यहाँ पर बनेगा, ये 5 मेंबर रिंग ऐसे रहेगी, बीच में एक बनेगी 4 मेंबर रिंग और ये 6 मेंबर रिंग ऐसे रहेगी, तो क्या हो जाएगा इधर रहेगी, हम ये क्या हो जाएगा हमारा, इसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, और इधर ओ एच लगा हुआ है, और इसके बीच में एक बनी एक ए 4 मेंबर ये रिंग, और इसके बगल में ये 6 मेंबर रिंग ये मेंटेन रहेगी, एक डबल बॉन्ड जो यहाँ पर डबल बॉन्ड था वो इधर इन्वॉल्व हुआ और ये इधर इन्वॉल्व हो गया। अब इसको मैच करो आप अपने ऑप्शन से, तो ऑप्शन कौन सा है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी, डी वाला, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। हाँ, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, हाँ, सिलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन स्टेटमेंट, तो नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है हमें उसको टिक करना है, जो इनकरेक्ट है उसे, तो होमो इज ए हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सही है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होमो होता है, और इन कॉन्ट्रोडक्टरी मोशन बॉन्ड रोटेट्स इन दी सेम डायरेक्शन, कॉन्ट्रोडक्टरी में जब बॉन्ड रोटेट होता है वो सेम डायरेक्शन में, तो एंटी क्लॉकवाइज या तो क्लॉकवाइज, ये भी सही है। अब ऑप्शन सी क्या है, डायलहेडर रिएक्शन इज ए 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, सही है, डायलहेडर रिएक्शन को ही हम 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ऑप्शन डी क्या है, इन दी सुपरफेशियल रिएक्शन बोथ बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ऑन दी अपोजिट फेस ऑफ द कंपोनेंट, क्या ये सही है, अगर यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस जो इसके नीचे जो ऑर्बिटल आएगा तो ये दोनों सेम होगा ना, तभी जाकर इसमें सुपरफेशियल होगी, तब जाकर इसमें सुपरफेशियल होगी, और इसमें क्या कह रहा है कि डिफरेंट फेज, तो यही वाला हमारा इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी 35 में ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट है उसको हमें टिक करना है करेक्ट, तो इस वाले में हो जाएगा डी वाला। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया है उसको हम देखना पहले, ये दिया गया है यहाँ पर दी गई ये थर्मल कंडीशन और प्रोडक्ट यहाँ पर लिखा गया है, और प्रोडक्ट है क्या उसको आपको देखना है।
तो इसको देखने के बाद आपको लग क्या रहा है कि ये ऑप्शन क्या होना चाहिए। ये रिएक्शन मैं पहले भी करा चुका हूँ। यहाँ पर चार ऑप्शन है, मतलब एक है पैरा प्रोडक्ट बना है डबल बॉन्ड के साथ और दूसरे में डबल बॉन्ड नहीं है, और नीचे दिखा रहा है सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, और डी वाला ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो ये है हमारी क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये हमारी ये अलाइल, ये फिनाइल ईथर, अलाइल फिनाइल ईथर जब होता था हमारा तो उसमें हम करते थे क्लेजन रीअरेंजमेंट। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट होती थी हमारी आर्थो पोजीशन पर मेजर प्रोडक्ट, या फिर अगर पैर पर आर्थो पर कुछ नहीं लगता था तो हमारे यहाँ से बनती थी आर्थो। अगर आर्थो पोजीशन एक ब्लॉक होती थी तो हमारा बनता था दूसरी आर्थो पे, और दोनों यहाँ पर देखिए ये दोनों आर्थो पोजीशन ब्लॉक है तो यहाँ से हमारा बनेगा पैरा प्रोडक्ट। मैं इसके मैकेनिज्म में नहीं जाने वाला क्योंकि मैं इसको बता चुका हूँ। सी एच टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, और यहाँ पर हो जाएगा ये ओ एच। इसके मैकेनिज्म काफ़ी डिटेल्स में बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब ये आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मैं 17वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हाँ 17वां क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पर, मैच दी कॉलम वन एंड कॉलम टू। तो कॉलम वन में ये सब हैं, ये सब ए बी सी डी तक, तो ये डाइन और ये डाइनोफाइल मिलकर ये बना, ये मिलकर ये बना, ये हुआ और ये हुआ। ये क्वेश्चन 17वां, ये यहाँ तक नीचे वाला है ए बी सी और ये डी। ये कॉलम ए का है, और कॉलम बी में क्या है आपको दिखेगा 4+4 2+2 4+2 2+2+2। तो अब इसमें नीचे दिया है कोड्स करके ए बी सी और इधर ए बी सी, इसमें कौन सा सही है वो देखिए आप। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये 4 ये 2, ए वाले में हो जाएगा हमारा ये 4+2 साइक्लो एडिशन, ठीक है, और ये 2+2 साइक्लो एडिशन हो जाएगी। अब बात आती है इसकी, इसकी पूरे पेरिसाइकिल में कहीं भी बात नहीं हुई है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसको। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये देखिए यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन और दो यहाँ पर और दो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर 4+2 नहीं, ये दो अलग है, दो अलग है, ये दो अलग है, तो यहाँ से होगी हमारी 2+2+2। तो ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड इधर मूव होगा, तो ये वाला बॉन्ड मूव होगा यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर दिख रहा है, और ये दोनों बॉन्ड जब इससे ऐसे बन जाएंगे तो वो इस तरह का हो जाएगा, और इस रिएक्शन में होगी हमारी 2+2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, ये होगा हमारा सी। और ऑप्शन डी में चलते हैं। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, ये यहाँ पर बॉन्ड है ना, ये बोल गया, ये इस साइड मूव होगा और ये इस साइड मूव होगा, यहाँ पर बीच में एक बॉन्ड बनेगा और ये इस साइड मूव होगा और इधर एक साइड बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन में ये वाला गलत लग रहा है, दोनों ये इसको वहीं पर किया है और यहाँ पर नहीं किया है, मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, ये दोनों डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर, तो इस तरह से होगा। और इसमें होगी 2+2+2, यानी कि ये 2+2 साथ में है, ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 2+2+4, यहाँ से हो जाएगी 4+4 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो अब आपको क्या दिख रहा है, 4+2 हो गई, 4+2+2 हो गई, 2+2+2 हो गई, 4+4 हो गई। अब हम देखते हैं ऑप्शन में हमारा कौन सा सही है। ऑप्शन बी की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो क्या लगेगा, इधर से बी की साइड में जो ऑप्शन, ये हमारा बी की साइड है और ये ए जो स्मॉल ए दिया वो हमारा स्मॉल ए इसके लिए दिया है, और ये 3 जो नंबर है वो 3 इस कॉलम 4+2 के लिए है, तो ए वाले में 3 वाला, ए वाले में 3 वाला 4+2, बी वाले में 2 वाला, देखिए बी ये रहा और 2 सेकेंड कॉलम में, देखिए कॉलम में देखेंगे 2+2 है तो उसके लिए उसका नंबरिंग 2 दिया है, ये हमारा हो जाएगा। कहना मतलब इसमें मिला जुला कर जब आप समझेंगे ढंग बैठ कर इसे, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से ऑप्शन सी देख लीजिए, ये सी वाला जो है चौथा नंबर आ रहा है बी में, सी उसके नीचे दूसरे नंबर बी वाली लाइन में देखेंगे, सी बी वाली लाइन में 4 आ रहा है 3, यानी कि 2+2+2, और डी वाले में हमारा हो जाएगा 1 4+4, डी वाले में हो जाएगा ऑप्शन 1 4+4। ये होगा क्वेश्चन नंबर है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये दिया गया है हमें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ये दिया है थर्मल कंडीशन ये है हमारे, और आपको प्रोडक्ट आपको दिखेगा ही, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी हमारी, पेरिसाइकिल में कौन सी रिएक्शन होगी देखकर पहचानिए आप। सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड इसे नंबर 1 2 3 1 2 3, इसे फिर इसको नंबर देंगे 1
फिर इसको टू, फिर इसको थ्री, यहाँ पर थ्री कॉमा थ्री सिग्मोट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगी। कैसे होगी? ये वाला बाउंड इधर, ये वाला बाउंड इधर, और ये वन वन के बीच का बाउंड ब्रेक होगा इधर, तो क्या बनेगा इधर? ये डबल बाउंड ओ ऊपर, यहाँ हो जाएगा डबल बाउंड, एक बाउंड ऐसे इधर, ये बन रहा है बाउंड, ये इधर ऐसे, ये इधर ऐसे, बीच वाला इधर वाला ब्रेक हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं हमारा इसमें कुछ ऑप्शन है। एक डबल बाउंड यहाँ पर आएगा, से एक दो तीन चार, दो तीन चार, हाँ ऑप्शन ए में इस यहाँ पर डबल बाउंड नहीं है और ऑप्शन बी में है, तो इसमें बी वाला जो है वो सही हो जाएगा, बी वाला करेक्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इस क्वेश्चन में क्या है? विच डाइन एंड डाइनोफाइल इज इम्प्लॉयड टू सिंथेसाइज नारबोर्नेडाइन। तो नारबोर्नेडाइन हमारी ये है, तो इसमें डाइन कौन है, डाइनोफाइल को हमें इसमें अलग करना है। तो ऑप्शन आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें कौन सा है। तो इस बाउंड को अगर हम इस साइड मूव करें, और इसको इस साइड, और इसको इस साइड, तो यहाँ से हो जाएगा ये ट्रिपल बाउंड, अगर ये इस तरह से है, मैं इसको इस साइड मूव कर रहा हूँ, यानी इसको यहाँ से हटा कर यहाँ पर करूँ, और इसको इस साइड मूव, यहाँ से हटा कर इसको यहाँ पर, और इसको इस साइड यहाँ पर, तो आपको क्या दिख रहा है? अब ये एक दो तीन, ये चार, ये पाँच, फाइव मेंबर रिंग यहाँ पर कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं इसे, और ये यहाँ पर प्लस ट्रिपल बाउंड इस तरह से। तो अब इस 19 वाले में कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए इसी तरह का है, तो ये ऑप्शन ए वाला यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। अब 20 में देखते हैं, 20 हमारा क्या कह रहा है? गिव द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम हीटिंग फॉलोइंग कंपाउंड। एक कंपाउंड को अगर हीट करोगे तो क्या बनेगा? ठीक है, ये होगी हमारी ये बाउंड है, ये बाउंड इसे हीट करोगे तो ये वाला पाई बाउंड ब्रेक होगा, ये वाला इधर हो जाएगा और ये वाला इधर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कुछ इस तरह का प्रोडक्ट। एक यहाँ पर डबल बाउंड और एक डबल बाउंड यहाँ पर, और यहाँ पर एच इस तरह से लगा रहेगा। अब इस ऑप्शन को आप मैच कर सकते हैं ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो चार ऑप्शन में क्या दिया है? साइक्लो एडिशन रिएक्शन पहला दिया है, ये 2+2 साइक्लो एडिशन है, ये 4+2 हो जाएगी, और तीसरे वाले में ये वाली भी 4+2 हो जाएगी, मैं इसका भी दिखा दे रहा हूँ, और नीचे वाली हो जाएगी, ये तो अभी मैंने दिखाया था 2+2+2 साइक्लो एडिशन की। अब इसमें आपको चूज़ क्या करना है? सेलेक्ट दी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब इसमें आप ऊपर देखेंगे साइक्लो एडिशन रिएक्शन दिया है, तो आप 2+2 वाले को चूजना का, पहले पूरा क्वेश्चन देखेंगे आप। सेलेक्ट दी 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जो 4+2 है उसी को हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट वाली तो 2+2 है वो नहीं होगी, तो सेकंड एंड थर्ड ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो सकती है। सेकंड थर्ड फोर्थ वाली तो 2+2+2 है, ये अभी मैंने बताया सेकंड एंड फोर्थ, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पहले मैं इसको दिखा दूँ थोड़ा, ये है प्लस ये, तो इसमें ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी, आगे जो भी प्रोडक्ट बनेगा आप बना सकते हैं, ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से ये यहाँ पर दो बाउंड लगे होंगे, अगर यहाँ से एक बाउंड निकालेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर एक डबल बाउंड आएगा, तो ये वाला हमारा 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन दे रहा है, और इसमें हो जाएगा हमारा बी वाला सही। क्वेश्चन नंबर अगर 22 देखें अब हम, तो उसमें क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पेरीसाइक्लिक रिएक्शन इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट वाला ज़्यादा आ रहा है। तो पहला है, बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग अकर्स एंड आफ्टर अनदर। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में दोनों बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साथ साथ होता है, तो इनकरेक्ट तो पहला ही हो गया, तो 22वें में हमारा ये वाला करेक्ट, मतलब इनकरेक्ट है, इसीलिए हमें उसको टिक करके आना है ताकि वो क्वेश्चन हमारा सही हो, करेक्ट हो।
और आप तीन ऑप्शन और पढ़ सकते हैं, वो सही होगा। इट इज़ ए कंसर्टेड टाइप ऑफ रिएक्शन, सही है। ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन इज ऑब्जर्व इन दिस रिएक्शन। बाकी एक और ऑप्शन है उसे पढ़ लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। तेज चौबी दो क्वेश्चन और बताकर मैं इसे ख़त्म करता हूँ। क्वेश्चन है हमारा ये दिया है और इसको हीटिंग कंडीशन दिया और चार ऑप्शन दिया है, उसमें से क्या बनेगा। तो इसमें आपको क्या करना है, इस बाउंड को हम इस साइड ले जाएंगे और इसको इस साइड, और ये वाला बाउंड मूव होकर इस साइड आएगा। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप देखिए यहाँ पर ये फाइव मेंबर रिंग ऐसे रहेगी। अब ये वाला बाउंड ब्रेक होकर अब यहाँ पर लग रहा है, एक बाउंड यहाँ पर ऐसे पहले से था, यहाँ पर बाउंड का फॉर्मेशन ये हुआ, दूसरा वाला बाउंड ऐसे था ये वाला, अब इसे लगा हुआ ये फाइव मेंबर रिंग इधर कुछ इस तरह से, और डबल बाउंड आ जाएगा यहाँ पर एक यहाँ पर। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, आप ऑप्शन देखकर लगा लीजिए। ऑप्शन डी देखिए करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट। अब इसमें क्या कह रहा है, चौबीसवें क्वेश्चन में प्रिडिक्ट दी प्रोडक्ट ये दिया है, ये कंडीशन दिया है। अब इससे प्रोडक्ट को हमें प्रिडिक्ट करना है, यहाँ से SO2 को हमें निकालना है, ठीक है। ये SO2 जो है वो हमारा यहाँ से निकलेगा, तो इस बाउंड को हम इस साइड मूव करेंगे और इसको इस साइड, और ये वाला बाउंड SO2 यहाँ से लेकर निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, ये बाउंड यहाँ गया तो एक दो तीन यहाँ से दो बाउंड हट रहे हैं, एक बाउंड ये, एक बाउंड ये, यहाँ पर तीन बाउंड कुछ इस तरह से आएगा, और एक डबल बाउंड यहाँ पर और एक डबल बाउंड यहाँ पर, और इसको कराना है डिसरोटेटरी। ये ME देखिए, ME को लीजिए, ME बाहर की साइड है और इस वाले में ME मिथाइल ग्रुप जो है अंदर की साइड, एक बाहर की साइड है इधर बाहर की साइड, दूसरा अंदर की साइड। अब हमें कराना है डिसरोटेटरी, एक को ले जाएं एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे को ले जाएं क्लॉकवाइज, तो एक गया ऊपर एक दूसरा गया नीचे। तो एक को हम दिखा देंगे ऊपर और दूसरे को हम इधर वाले में दिखा देंगे नीचे, या इधर वाले में नीचे इधर वाले में ऊपर, आप दिखा सकते हैं। इधर वाले पे आ जाएगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन में ये वाला दिया गया होगा, ये वाला ME नीचे गया है और यह ऊपर है, और इधर वाले में ME ऊपर है और यह वाला नीचे है। तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस अगर आप इसको इस तरह घुमा दोगे तो ME वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया आज हमारा पेरिसाइक्लिक रिएक्शन के ये क्वेश्चन ख़त्म। तो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारी पेरिसाइक्लिक पूरी खत्म होती है, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ख़त्म। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।